नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को जरदोशी का काम सिखाने जा रही हूँ। आज मैं देखिए इस तरह से आप बूटा तैयार कर सकते हैं जरी की कढ़ाई के माध्यम से, और वो किससे होती है तो ये टकवा है, ये इस मार्केट में आपको परचेस हो जाएगी 8 से 10 रुपए में। ये टकवे की नोक देखकर आपको लेना है, यहाँ पर से फिंगर करके देखिएगा कि गरे नोक हो तो लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने ये टकवा चुना, ये तो इसको इसमें धागा कैसे लगाया जाता है वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से तरह से लपेटेंगे धागा। धागा क्यों लपेटा जाता है, हाथ नहीं फिसले इसके लिए। अगर हम धागा नहीं लपेटेंगे तो कढ़ाई करने में बनेगा नहीं, इसलिए इसमें धागा लपेटा जाता है ताकि फिसले ना। टाइट से लपेटते जाएंगे। जब आखिरी हो गया इस तरह से या गांठ बांध देंगे। तीन गांठ मार दिए ताकि खुले ना। अब यहाँ फेविकॉल लगा के इसको चिपका सकते हैं बाद में। अब इस टकवे से कढ़ाई करने के लिए पहले फ्रेम लेना होगा। फ्रेम आप 8 नंबर का भी ले सकते हैं, ये 8 नंबर का है और ये 14 नंबर का है, ठीक है ना। तो बड़ा फ्रेम से आप सूट का गले में वर्क कर सकते हैं, और इससे भी बड़ा फ्रेम रहेगा तो आप साड़ी में भी वर्क कर सकते हैं, और बड़े बड़े उद्योगों में जगह में आप अड्डे पर इसका काम किया जाता है, टकवे का अड्डे पर बताया जाता है। तो मैं आगे भी इसका वीडियो डालूंगी। आज मैं पहली बार बताने जा रही हूँ कि टके का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी कढ़ाई कैसे की जाती है। तो सबसे पहले एक दुपट्टा कोई भी जॉर्जेट का कपड़ा ले तो ज़्यादा बेहतर है। शिफॉन में भी कर सकते हैं, किसी भी कपड़े में कर सकते हैं, लेकिन जॉर्जेट अच्छा होता है ज़्यादा। तो आप फ्रेम को पहले खोल लें, उसके बाद यहाँ पर से इसको नीचे डालें, फिर इसके ऊपर। आपको पहले टकवे पे हाथ को बैठाना होगा, तभी जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है उसके बाद आप टकवा चलाने सीख जाइएगा, तो आप गले में वर्क कर सकते हैं। ये रेशम तागा है, आप चाहें तो मशीन के जो तागा होता है उससे भी कर सकते हैं, रेशम तागा से थोड़ा अच्छा लगता है। इसको पहले डबल कर दिया जाता है जितना दूर हो सके। अब यहाँ से इस मुँह को पकड़ेंगे, यहाँ पीछे से हम लेंगे कोई डिजाइन गोल जैसा। पहले हाथ बैठाना है तो सीधा लाइन भी हम चला सकते हैं टकवे से, पहले तो हाथ को बैठाना होता है, उसके बाद फिर इस तरह से नीचे से पहले लिए। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ पर मुँह है, इसको पीछे से डालें और यहाँ से ऐसे टकवे ऊपर से गए और पीछे से इसको पकड़ना है और खींचना है ऊपर, इसके बाद इस तरह से नीचे से चलाना है, ये आपका चैन बनते जाएगा। देखिए इस तरह से चैन बन रहा है आपका। अब इसी चैन को चलाते जाना है, छोटा छोटा टोप एकदम बारीकी से। आप सोचते होंगे कि पीछे से कैसे आता है, तो देखिए इस तरह से मैं डाली और ये इसमें फंसाना है, जैसे क्रोशिया में कैसे फंसाया जाता है इस तरह से इसे फंसाया गया, फिर इसको ऊपर खींच लेंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आप भी अच्छे से कर लोगे इसको, और मन चाहा डिजाइन आप
जो कि मार्केट में बहुत ही महंगा आता है, थोड़ा सा डिजाइन रहता है और कितना महंगा सूट, गले में वर्क थोड़ा सा रहता है। तो आप खुद से करके आप घर में पैसे बचा सकते हो, एक छोटा सा उद्योग भी खोल सकते हो, साड़ी वगैरह में भी वर्क कर सकते हो। मेरी ये साड़ी में भी ये वर्क किया गया है, देखिए यह सितारा का वर्क है, मोती का है, यही चीज़ है, सेम है, इसमें भी टकवे का ही काम है। तो ये आप एक लाइन पहले कर लीजिए, फिर इसमें सटा के कोशिश कीजिए चलाने का। ये आपका फर्स्ट क्लास का रहेगा, आप इसको तैयार कीजिए। जब इसमें आप सटा के चलाने सीख जाइएगा, तब जाके आप बूटा तैयार करने सीख जाइएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसी तरह से ये बूटा बनाया गया है। ते हैं बांधते कैसे हैं वो सीख लीजिए। इस तरह से ये लिए पीछे कर लेंगे और पीछे से इसको निकाल लिए, इसमें डाल के ये आपका बंध गया, ये कंप्लीट हो गया। और देखिए ये बूटा जब बनाएंगे तो इसी तरह से चेन चलाना है, और साइड में इस जरी का यूज़ किया जाता है, ये जरी आ जाती है मार्केट से आपको कढ़ाई के लिए। तो इस तरह से जरी से ही डबलिंग किया गया है, फिर इस तरह से चलना है, फिर यहाँ से चलना है, फिर चलते 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 इधर आना है, फिर यहाँ से वापस करके यहाँ पर आ जाना है। और इसके बीच में पहले रेशम धागा से भरौटी किया जाता है, तब ऊपर से जरी का लाइनिंग किया जाता है। और आप देख लीजिए कि जरी से हम किस तरह से फाइल बना सकते हैं, ये सब नमूना, ये सब फाइल बना के आप पहले हाथ प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप साड़ी में, सूट में, गले में, वो भी मैं दिखाऊंगी सूट में किस तरह से मैंने किया है। ये देखिए ये सितारे का वर्क है, इसमें सितारा भी लगा सकते हैं आप, स्टोन का भी काम कर सकते हैं, स्टोन का भी वर्क, लहंगा हुआ, लाछा हुआ, बहुत सारा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। We'll be right back.